A block is gently placed at a topographical inclined plane 6.4 मीटर लॉन्ग, टॉप पे रखा है ठीक है, और 6.4 मीटर का लंबाई है इस इंक्लाइंड प्लेन की। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन टू द बॉटम ऑफ द प्लेन, यहां पर पहुंच जाना चाहिए, टाइम निकालना है। द प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज 0.2, तो म्यू भी मिल गया आपको 0.2। चलिए ब्लॉक की आप एफबीडी बनाइए, ये फ्रिक्शन है, ये एम जी साइन थीटा, ये एम जी कॉस थीटा ठीक है, और ये क्या है रिएक्शन। तो अभी भी ये ब्लॉक स्लाइड तो कर ही रहा है एम ए, तो लिखिए एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एम जी कॉस थीटा ठीक है। सो एम 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 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया जी कॉमन लो, साइन 30 माइनस म्यू के, डेफिनेटली के दिया हुआ क्योंकि ब्लॉक मूव कर रहा है, इंटू कॉस 30, वैल्यूज रखिए 10, 1/2 माइनस म्यू के कितना है 0.2, 0.2 इंटू रूट थ्री बाय टू होता है 0.866, 10.5 माइनस 0.2 इंटू 0.866 कितना हुआ 0.17 ले लेता हूँ ठीक है, 85 to 170 होता है, मैंने 0.17 ले लिया, तो कितने से 10 इंटू 0.33 आ जाएगा, यानी कि 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारा स्लाइडिंग एक्सेलरेशन तो आ गया ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, सिंपली लगाओ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और हमारा टाइम आ जाएगा ठीक है। ये दे रखा है 6.4, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी ना, तो ऐसे हटाओ जीरो, हाफ इंटू एक्सेलरेशन 3.3 आया। अब देखो 3.3 की जगह 3.2 होता तो ये बढ़िया सॉल्व हो जाता, तो 3.2 ले लो और टी स्क्वायर, तो लीजिए 2 टाइम्स गया, 2 2 4, 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स, ये लीजिए हमारा 2 सेकेंड में ब्लॉक नीचे आ जाए। तो इस तरीके से इन्होंने मैकेनिक्स को काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स को काइनेमेटिक्स के साथ जोड़ दिया और एक प्रॉपर मैकेनिक्स का क्वेश्चन बन गया, जिसमें हम फोर्स भी यूज़ कर रहे हैं और एक क्वेश्चन मोशन भी लगा रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है स्कूल लेवल पे।